अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईएनई टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मर्डर रिपोर्ट हुआ जिसमें कि क्राइम नंबर 536/2019 मर्डर केस और आम साइड के तहत ये केस बुक हुआ। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से प्रॉम्प्ट रिस्पांस, खास करके पंजाबुट्टा पुलिस और टास्क फोर्स के तरफ से सपोर्ट के द्वारा अक्यूज को कुछ ही घंटों में अरेस्ट किया गया। इस मर्डर केस में जो अक्यूज हैं उसमें अक्यूज वन अब्दुल रहमान, सन ऑफ अब्दुल जब्बार, एज 40 इयर्स, ये टू व्हीलर मैकेनिक है और राजेंद्र नगर रंगारेड्डी का रहने वाला। ये आल्सो ये जो मारुति वैन जिसमें ये लोग आए, जिसका नंबर AP10P9054 है, उसका ओनर है, उसको अरेस्ट किया गया। अक्यूज टू मोहम्मद अजहर, सन ऑफ मोहम्मद अनवर, एज 19 इयर्स, ये पंजागुट्टा का रहने वाला है। और अक्यूज नंबर थ्री अब्दुल अलीम, सन ऑफ अब्दुल सलाम, एज 27 इयर्स, ऑटो ड्राइवर करता है और ये मक्ता पंजागुट्टा का रहने वाला है। इसके अलावा दो अक्यूज एब्सकॉन्डिंग हैं जिनके नाम सैयद अमजद, जो बड़ी मस्जिद पंजागुट्टा का रहने वाला है, और मोहम्मद हसन एलियस बाबू, जो कि ड्राइवर था इस वैन का, मारुति वैन का, और गोलकुंडा किला का रहने वाला, वो अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस पूरे क्राइम में जो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट यूज हुए, जिसमें 5 कोकोनट कटिंग नाइफ, सिकल, मारुति ओमनी कार, बजाज प्लेटिना बाइक, इसका भी रिकवरी हुआ। ये जो मर्डर हुआ आज सुबह, इसमें जो डिसीज्ड है वो एक पहले के मर्डर का अक्यूज था और कुछ ही दिनों पहले वो बेल पर बाहर आया, इसीलिए इसमें रिवेंज फीलिंग भी है इस एंटायर एपिसोड में। और डिसीज्ड मीर रियासत अली रजवी एलियस सज्जू, जो पुराने मर्डर केस में अक्यूज था, वो भी एक ऑटो ड्राइवर है और बेल में आने के बाद वो सिटी में रह रहा था। तो ये पूरे क्राइम जो लक्ष्मी नरसिम्हा टी स्टॉल के सामने हुआ और टेक्नोलॉजी के हेल्प से बिल्कुल 2-3 घंटे के अंदर एनालिसिस ऑफ वीडियो फुटेज, प्रॉम्प्ट रिस्पांस बाय ऑल ऑफिसर्स, ये केस डिटेक्ट हुआ। तो इसमें आज के इस समय में आप लोगों से हम ये भी कहना चाहते हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस बोथ क्राइम डिटेक्शन और क्राइम प्रिवेंशन में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ वीडियो एनालिटिक्स, इन सब के तरफ से हम लोग कंट्री में सबसे आगे रहेंगे और एक रोल मॉडल के तरफ से हैदराबाद सिटी पुलिस की इमर्ज हो रहा है। इसमें खास करके हमारे नए बैच के जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छा है, बीटेक, एमटेक और एमएससी है, इतने हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स को इस तरह के साइंटिफिक टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग कर देने में उनका कैपेसिटी और भी बेहतर होगा। और इसके साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।